टॉक, क्या हाल चाल सबके भैया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी आलिशान शादी के बारे में जिसकी रस्में वादे इरादे दिनों रातें खत्म होने का नाम ही ले रहे। पता है? जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है अनंत अंबानी की शादी की। माना कि वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन क्या करे, अब बना ली थी तो पोस्ट कर दी। कोई बात नहीं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इनकी शादी सालों साल से चली आ रही थी, जिसमें पिछले 6 महीने में 2-2 प्री वेडिंग सेरेमनीज और पता नहीं कितने ही प्रोग्राम किए गए थे। और जब फाइनली शादी हो गई तो खुद अपने मुंह से ये बात कही अंबानी जी ने, ये अनंत और राधिका के लास्ट सेलिब्रेशन है। पर अगले ही दिन न्यूज है कि इनकी पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज होंगी लंदन में। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं, मतलब अब ये भाई सब इंडिया में रहके रुपयों में खर्चा करके बोर हो गए हैं, अब लंदन की धरती पे जाके वहाँ पे पौंडों में खर्चा करेंगे। इनकी शादी में इतना छप्पर फाड़ के भर भर के खर्चा किया गया है कि जितना की किसी देश की जीडीपी भी नहीं होती। खैर हमको क्या, बढ़ते हैं हम शादी ऑफ द सेंचुरी की ओर और करते हैं इसमें हुए कुछ मनोरंजन भरी चीजों के ऊपर गौर। भाई खाने का प्रोग्राम भी इनके यहाँ भयंकर वाला था। हजारों की गिनती में इतने व्यंजन थे इनकी शादी में कि कोई बंदा चाह के भी न खा पाए। और अपनी फेवरेट डिश को ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते बंदे का वैसे ही पेट भर जाए, पेट भर गया। और इतनी बड़ी जगह में इतनी लंबी कतार में स्टॉल लगे हुए थे कि कोई बंदा आखिरी स्टॉल तक चाह के भी न पहुंच पाए। मैं तो थक गई भाई साहब। खाने का प्रोग्राम तो सबने देखा, लेकिन पीने का सीक्रेट प्रोग्राम किसी को न पता चल पाया। पर हार्दिक भाई ने गलती से बोल के इशारों में सबको बता दिया कि आज मैं अंबानी की शादी में टकीला पी के आया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भाई का डिवोर्स हो गया है, तो शायद क्या पता इसी बात के गम को भुलाने के लिए भाई ने टकीला मंगा ली। सूत्रों से पता चला है कि इनकी शादी में अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। भाई सब गहने छोड़ो, इनके तो कपड़ों में भी सोना चांदी हीरे जवाहरात टाइटेनियम प्लेटिनम पता नहीं क्या क्या जड़े हुए हैं। करोड़ों में तो इनके कपड़ों का प्राइस है। क्या बात कर रहे हैं, इनके कपड़े छोड़ो, इनके कुत्ते की भी बनारसी शेरवानी की कीमत लाखों में थी। इनके कुत्ते का नाम हैप्पी है, जो कि रहता हमेशा ही हैप्पी है। मगर क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की प्राइवेट मर्सिडीज जी वैगन गाड़ी है। क्या बात है भाई, ये कुत्ता दुनिया का इतना खुशनसीब कुत्ता है जिसको देख के कोई ये भी नहीं कह सकता। कुत्तों की जिंदगी, इस कुत्ते की लाइफस्टाइल के आगे एक आम बंदे की लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं, क्योंकि इस कुत्ते की रहीसी देखकर सबकी अंतरात्मा यही है कह रही, जिंदगी हो तो ऐसी हो। पूरी दुनिया में बस एक अंबानी फैमिली है जिनकी शादी में हर एक वैरायटी के लोग, हर एक प्रोफेशन और हर एक कंट्री के लोग आते हैं, बस एक दो कंट्री को छोड़ के। यहाँ पे बिजनेसमैन से लेके पॉलिटिशियन और सिंगर से लेके एक्टर मॉडल इन्फ्लुएंसर हर एक तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे कपल्स झुंड में आते हैं, पर सलमान भाई जैसे बंदे सिंगल आते हैं। और सलमान भाई जैसे सुपरस्टार स्पोर्टिंग एक्टर और बैकग्राउंड डांसर के तौर पे नजर आते हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अंबानी फैमिली को जब कोई सॉन्ग सुनने का मन करता है तो वो स्पोटिफाई या यूट्यूब पे नहीं सुनते, बल्कि सिंगर को ही अपने घर बुला लेते हैं, फिर चाहे भले ही उनको करोड़ों रुपए देने पड़े। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई अंबानी की शादी में बहुत सारे सिंगर आए और गए, पर इंडिया की जनता जस्टिन बीबर की 83 करोड़ की परफॉर्मेंस से खुश ना हो पाई। लोग इस बात पे गुस्सा थे कि भाई इतने पैसे लिए कम से कम कोई ढंग की शेरवानी कोट पैंट पहन के ही आ जाता, ऐसा कच्चा पहन के परफॉर्मेंस देने वाला बाथरूम सिंगर इंडिया के घर घर में मिल जाता। किम और क्लोई कार्डाशियन तो अंबानी की शादी में सस्ती राखी सावंत और सस्ती शेरलिन चोपड़ा लग रही थी। इनको इंडियन ड्रेस की सिंपलिसिटी की धज्जे उड़ाते हुए देख के पूरे देश ने मिलके इनको कहा, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। शादी अटेंड करने के लिए भले इनको मोटा पैसा मिला था, पर इनका गैंग शादी छोड़ के सेल्फियों में लगा हुआ था। बताओ इनके महंगे खर्चों के जैसे ही इनका घर भी है, तो इन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा पे नहीं बल्कि अपने महंगे घर एंटीले के ऊपर ही इनकी शादी का लाइव टेलीकास्ट चालू करवा दिया, ताकि शहर के जो जो लोग इनकी शादी में आकर इनकी शादी नहीं देख पाए वो इनके घर की दीवारों पे ही देख सकें। अरे वाह, इस शादी में अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी थी तो वो रणबीर सिंह को थी। भाई ने कोई मौका नहीं छोड़ा हर मौके पे चौड़े होके नाचने का। फुल एनर्जी में अगर कोई पागल होके नाच रहा था तो वो रणबीर सिंह ही था। अच्छा, शादी में भाई ने किया अपना ततल डांस, नागिन डांस, और तो और फीफा के प्रेसिडेंट को ऐसे पकड़ के करवाया डांस जैसे कि वो हो इनका लंगोटिया यार फ्रॉम नर्सरी क्लास।
भाई की खुशी को देख के ऐसा लग रहा है कि अंबानी फैमिली ने भाई को अच्छा खासा खर्चा दिया है। और ये खुशी हो भी क्यों ना, अब जिस बंदे को अपनी पेमेंट के साथ साथ 2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट में मिल जाए उसको किस कदर खुशी होगी आप समझ ही सकते हो। इतनी खुशी सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हर एक इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आके नाचे। और तो पुली की पुली अंबानी फैमिली हम साथ साथ के जैसे साथ साथ नाचे। मुझे पता है कि आप उनका फैमिली डांस देख के मन ही मन में मंद मंद मुस्कुराए होंगे, लेकिन अगर अंबानी फैमिली ने गलती से तुम्हारा बैंक बैलेंस देख लेना तो वो तुम पे इतना हंसेंगे कि जितना कि कपिल शर्मा के शो में नहीं हंसती अर्चना। जाने दो। अनंत अंबानी की शादी में हर कोई जी फाड़ के नाचा, हर कोई इतना नाचा गया और साथ में उन लोगों ने अनंत अंबानी को भी इतना नचाया कि वो थक गए और गुस्से में उदास होके भाई मन ही मन में अपना मकसद याद करने लगे। बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एक तो भैया पापाराजी लोग, इनका काम होता है सेलिब्रिटीज की फोटो खींचना, पर फोटो खींचने के जुनून में कभी कभी इतने बावले हो जाते हैं कि मच्छी मंडी स्टाइल में आवाजें निकालने लग जाते हैं। देख। नहीं, दिशा पटानी तो तुम्हारे ससुराल से है ना, जो इतना मस्ती मजाक कर रहे हो। एपी सामने। इतनी चकाचौंध में लगता है इन बेचारों की आंखें काम करना बंद कर गई हैं। तभी तो ये अनन्या पांडे को एपी बुला रहे हैं। वहीं आसपास में एपी ढिल्लो भी खड़ा होगा। खामखा ये पापाराजी लोग एपी ढिल्लो को कंफ्यूज करने जा रहे हैं। माना कि ये अनन्या पांडे के नाम को शॉर्ट फॉर्म में बुला रहे हैं, लेकिन अनन्या पांडे का नाम इतना भी लंबा नहीं है जो इनको शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात तो सही है। भाई ये पापाराजी लोग इतने पलटू दल बदलू लोग हैं ना कि क्या बताएं। अभी जॉन सिन्हा ने एंट्री भी नहीं मारी थी, इन लोगों ने पहले ही जग्गू दादा को इग्नोर कर दिया और जग्गू दादा को छोड़ के जॉन सिन्हा की फोटो खींचने लग गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनकी हिपोक्रेसी तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात ये समझ नहीं आ रही कि जग्गू दादा इतने भी कितने बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं कि हर वक्त अपने हाथ में झाड़ लेके घूमते हैं। बताओ भाई, कभी कभी तो इनको खुद ही नहीं पता होता कि सामने कौन खड़ा है और फिर ये लोग आपस में यही पूछते रहते हैं। बताओ, फीफा के प्रेसिडेंट को इन्होंने जेफ बेजोस बना दिया। माना कि बंदे के सिर के ऊपर बाल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी बंदा गंजा हो वो अमेज़न का मालिक ही हो। जेफ बेजोस भी सोचेगा कि मैं तो अनंत अंबानी की शादी में गया ही नहीं, ये पापाराजी लोग जानबूझ के मेरा नाम लेके क्या साजिश करना चाह रहे हैं। चलो मानते हैं कि नाम की हेराफेरी गलती से हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये पापाराजी लोग फोटोशूट के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और गालियों की हेराफेरी करने लग जाते हैं। पारिवारिक माहौल है ना। सूत्रों से पता चल रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में जितना भी खर्चा हुआ है वो इनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% ही है। ना ही इतना पैसा उड़ाना इनके लिए कोई बड़ी बात है और ना ही इससे इनको कोई फर्क पड़ने वाला है। बड़ी बात और फर्क पड़ने वाली बात तो हमारी सोसाइटी वालों के लिए है। हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी शादियों में आधी या पूरी की पूरी अपनी जीवन भर की कमाई ही लगा देते हैं और बाद में तंगी में या फिर लोन भरते भरते अपनी जिंदगी बिताते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलो भी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो निकल गए।